हाँ दोस्तों, ये है हमारा सेमीफाइनल फाइव पिन बोर्ड। आप देखेंगे सेकंड पार्ट में भी फाइनल होते हुए और बहुत कुछ है मजेदार, तो देखिए हमारा सेकंड पार्ट भी। जी हाँ यार दोस्तों, अभी तक आपने इसको सिर्फ सुनार की दुकान पे देखा होगा, अभी आपने इसके साथ बिल्कुल नहीं देखा होगा। और ये भी है साथ में, देखिए हम इसके साथ हम बनाएंगे फाइव पिन चार्जर। जी हाँ, नाप लेने के लिए हम पहले तो हम इसके ऊपर ऐसे बिठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अंदर देख लें कि क्या है। देखिए इसमें ये सारा मटेरियल है, तो सारा मटेरियल को इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया इसका मटेरियल, लेमिनेट है, ये भी निकाल दिया। अब बचा हम ये बॉक्स, हम ये सिर्फ बॉक्स को ही यूज़ करेंगे और किसी चीज़ को नहीं। नाप लेने के लिए हम बॉक्स को जहाँ से ये ओपन हो रहा है हमें कैसे करना है वो हम देख लें। तो सिंपल ही चीज़ है, तो हमें ऐसा ये खड़ा रखना है, ये मार्किंग देख लेनी है इसके सेंटर से, फिर हमें ये मार्क करना है। यहाँ हमने मार्क किया, यहाँ हमने मार्क किया, सेम चीज़ यहाँ लानी है हमें। ये हमने मार्क किया, ये मार्क किया, ये हो गई हमारी मार्किंग। अब इस पर हम सीधे सीधी सीधी रेखाएं कर लेंगे। जी हमारी मार्किंग हो चुकी है, आप मार्किंग के लिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए साइज क्या है, और ये देखिए ये साइज क्या है हमारा। जी हाँ दोस्तों, नाप हो गया है ख़त्म, साइज हो गया परफेक्ट। अब हम करेंगे इसे कटिंग, कटिंग करेंगे इस टूल से। ये टूल भी हमने अपने हाथ से ही बनाया है, इसके लिए कभी हम वीडियो और बनाएंगे प्रॉपर, ये अभी बना नहीं है, ये आधे में है। देखिए ये हमारा कट चुका है पूरी तरह एक साइज में, सिर्फ इसके ऊपर की गंदगी जो है ये हमें साफ करनी है। इसको थोड़ा सा और काम करना बाकी है। यस ये देखिए गाइस किस तरह से हमारा ये अंदर फिट हो गया है। जी हाँ, अभी इसमें फिट करनी बाकी है हमें एलईडी। ये है हमारी एलईडी, हम इस तरह से देख लेंगे कि यहाँ पे हमें जगह मिलती है और यहाँ पे भी हमें जगह है, ये बंद होने के बाद एक दूसरे में फंसे ना। और अगर हम इस तरह से देखने जाएं तो यस हम ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बहुत हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गई हमारी मार्किंग, चलो देखते हैं आगे। जी हाँ, हम दो एलईडी लगाने जा रहे हैं। दो एलईडी क्या काम करेंगी, किस तरह से काम करेंगी, ये आप भी देखेंगे।
जी हाँ, ये बैठ गए हमारे इंडिकेटर फिट हो चुके हैं। अब ये हम यूज़ करेंगे टू वे स्विच। टू वे स्विच की मार्किंग हो चुकी है, अब इसको करेंगे हम ड्रिल और कटिंग। इसको फाइल कर लेते हैं, हमारी कटिंग हो चुकी है, अभी टाइम है तो फाइलिंग का। ये देखिए कितना परफेक्टली फिट है। ये 5 पिन हमारा हो चुका है टाइट। अब हमारा टू वे बटन की बारी है। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिटिंग आई है वो इतनी बेहतरीन आई है। देखिए हमें कुछ ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, ये ऐसे ही काम करेगा विदाउट ग्लू। देखिए ये भी हमारे इंडिकेटर बिना ग्लू के ही फिट हैं। कुछ सेटिंग के बाद ये हमने कर लिया फिट। ये देखिए अब हम आपको दिखाएंगे इसके कनेक्शन।